नमस्कार, कक्षा 10 अध्याय 14 सांख्यिकी। माध्यक। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। याद रखना बच्चों, माध्यक मतलब सबसे बीच वाला प्रेक्षण, उसका मान। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। इसके लिए सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना होता है। वो हमें मिलेगा जब हम n को 2 से भाग कर लेंगे। कैसे, ये हम आगे एक प्रश्न के द्वारा जानेंगे। इसके बाद हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है, ये भी हम अभी प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। उसके पश्चात माध्यक का जो सूत्र है वह है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H। आइए हम देखते हैं कि ये L, N बटा 2, CF, F, H ये क्या है। L होता है जो भी हमें माध्यक वर्ग प्राप्त होगा उसकी निम्न सीमा। n होता है प्रेक्षणों की संख्या, जैसे कुल परिवारों की संख्या या कुल बच्चों की संख्या, जो भी आपको प्रश्न में दिया गया है। cf होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। h होता है वर्ग माप, और हम मानते हैं कि वर्ग माप हमेशा बराबर होते हैं। आइए आज हम प्रश्नावली 14.3 के प्रथम प्रश्न के माध्यम से माध्यक निकालना सीखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो बच्चों, आप 14.1 में माध्य और 14.2 में बहुलक सीख चुके हैं। इस प्रश्न में आपको माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों निकालने को कहा गया है, परंतु हम इस वीडियो में आपको केवल माध्यक निकालना सिखाएंगे, माध्य और बहुलक क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं तो वो आप स्वयं निकालिएगा। आई रिपीट, माध्य और बहुलक आप पहले सीख चुके हैं, वो आप इस प्रश्न में स्वयं कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माध्यक निकालना सिखा रहा हूं। आइए चलते हैं। हमारे पास यह एक सारणी दी गई है जिसमें लेफ्ट साइड पर आपको दी गई है मासिक खपत इकाइयों में। 65 से 85 इकाइयां खपत करने वाले कितने उपभोक्ता हैं? 4। 85 से 105 इकाइयां मासिक खपत करने वाले कितने उपभोक्ता हैं? 5। इस प्रकार से यह सारणी हमें दी गई है। यह सारणी हमें सामने हमारे है। सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। बच्चों, इसको ध्यान से सीखेगा कि कैसे हमने संचयी बारंबारता निकाली है। सबसे पहले उपभोक्ता की संख्या F वाले खाने में है 4, तो शून्य में 4 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 4, यानी जो यहां पर सबसे ऊपर वाले खाने में है वही यहां राइट साइड संचय बारंबारता वाले खाने में भी आएगा। इसके बाद इस 4 में 5 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 9। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं एक बार पुनः आपको दिखा रहा हूं। संचय बारंबारता के पहले खाने में आया था 4, इसमें हमने 5 को प्लस कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ है 9। इसके बाद इस 9 में 13 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 22। इस 22 में 20 जमा करने पर हमें प्राप्त होगा 42। 42 में 14 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 56। 56 में
आठ प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 64, और 64 में 4 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 68। यदि आपको याद हो टोटल उपभोक्ताओं की संख्या भी 68 ही थी और यही आनी चाहिए आखिर में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें निकालना है n बटा 2। इसलिए निकालना है क्योंकि हम निकाल रहे हैं माध्यक, और माध्यक होता है बिल्कुल बीच में, इसीलिए कुल उपभोक्ताओं का आधा हम निकालेंगे। कुल उपभोक्ताओं का आधा, कुल उपभोक्ता थे 68, 68 को 2 से भाग करने पर हमें प्राप्त हुआ 34। इसके बाद अब ये देखना है कि 34 कौन से खाने में आएगा। आप संचयी बारंबारता वाले कॉलम को देखें, सबसे पहले कॉलम में है 4, 34 4 से बड़ा है। अगले खाने में है 9, इसका मतलब 34 अभी भी अगले खाने में आएगा। अगले खाने में है 22, यानी 22 तक के उपभोक्ता, लेकिन हमें चाहिए 34। और उसके बाद है 42, इसका मतलब यह है कि 34 आएगा 42 वाले खाने में, है ना। 22 के बाद 42 वाले खाने में, 42 तक वाले खाने इसमें आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें माध्यक वर्ग प्राप्त हुआ है 125 से 145। ये तरीका है माध्यक वर्ग निकालने का। सबसे पहले हमने n बटा 2 निकाला, n बटा 2 आया था 34। तो फिर हम संचयी बारंबारता वाले खाने में देखेंगे कि 34 किस खाने में आ रहा है। पहले में थे 4, अगले में आएंगे 9 तक, अगले में आएंगे 22 तक, अगले में आएंगे 42 तक। तो 42 तक, इसका मतलब 34 इसी खाने में आएगा 125 से 145। तो ये है हमारा माध्यक वर्ग। अब L होता है इस माध्यक वर्ग की निचली सीमा, जो है 125। CF होता है इस माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कि है 22। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो कि है 20। उसके बाद है H। H के लिए हम किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को माइनस कर देंगे। हमने माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा 145 से उसकी निचली सीमा 125 को माइनस कर दिया, तो हमें प्राप्त हुआ 145 से 125 घटाकर हमें प्राप्त होता है 20। इसका अर्थ है H आया है 20। अब हमारे पास माध्य का जो सूत्र है वह है L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटा F गुना H। आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए L की जगह आ गया 125 प्लस N बटा 2 की जगह आ गया 34 माइनस सी एफ की जगह आ गया 22 बटा F की जगह आ गया 20 गुना H की जगह भी आ गया 20। तो अगले स्टेप में देखिए 20 से 20 कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया 125 प्लस 12, और 125 में 12 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 137। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है माध्यक बराबर 137, यानी उपरोक्त आंकड़ों का माध्यक कितना आया है 137। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको माध्यक अच्छे से निकालना आया होगा, और आप इसके अन्य प्रश्नों को भी स्वयं अभ्यास कर पाएंगे। धन्यवाद।